हीना, हीना क्या बात है, तुम इस तरह खाना छोड़ के क्यों चली आई? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। देखो हीना, मैं जानता हूं कि बात कुछ और है। क्या बात है? आप जान के भी अनजान बनना चाहते हैं शायद। हीना प्लीज, देखो तुम ये रोना बंद करो, मुझे बताओ तो सही आखिर बात क्या है। आपको सिर्फ मेरे आंसू दिखते हैं, इन आंसुओं की वजह नहीं दिखती। मुझे तो ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आई, सब कुछ ठीक तो है, प्रॉब्लम क्या है? प्लीज आप जाइए, खाने पे सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। तुम भी मेरे साथ चलो, चलो उठो उठो। मुझसे मेरा हक छीना जाए ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हीना, कौन है जो तुमसे तुम्हारा हक छीन रहा है? मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। इस घर की खिदमत करना मेरा फर्ज है और मेरा हक भी। आपने देखा नहीं फूफी किस तरह मेरा हक छीन कर जीनत को देना चाहती है? हीना, जीनत घर के कामों में तुम्हारा हाथ बटाएगी, इसमें हक छीनने वाली कौन सी बात है? हा? मैं आपको कैसे समझाऊं? तो समझ ही नहीं रहे। जहां तक मैं समझता हूं तुम बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हो। मैंने पहले दिन से ही नोटिस किया है कि जीनत का इस घर में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। ये बात मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था, मगर तुमने मजबूर कह दिया ये बात कहने के लिए मुझे। ये मेरा शौहर नहीं, ये बचपन की दोस्ती बोल रही है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे समझ नहीं रही हो, सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। आप मुझे इस लायक समझने लगे तो क्या समझूं मैं, क्या समझूं मैं? और ये तुम्हें क्या हो गया हीना? अरे दूसरों की तकलीफों को, उनके दुख दर्द को तुम अपना समझती थी, गरीब और हालात से सताए हुए लोगों की हमदर्द हुआ करती थी तुम, फिर अब क्यों भूल गई कि जीनत भी एक गरीब घर की लड़की है, उसके सर से उसके बाप का साया उठ चुका है। बजाय उसके साथ हमदर्द होने के वो तुम्हारी आंखों में कांटा बन के चुभ रही है। हीना तुम इतनी पत्थर दिल तो कभी नहीं थी। देखो मैं चाहता हूं कि जीनत और तुम एक दूसरे का सहारा बन जाओ। तो इस बात को यहीं खत्म करो, बाहर आओ, खाने पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए। समझ में नहीं आता अकरम कहां रह गया, हीना को लेने गया था, लगता है वहीं का होके रह गया। अकरम का तो छोड़ो, ये सोचो कि हीना को क्या हो गया। इस तरह कोई खाना छोड़कर उठ के जाता है भला? तोबा तोबा, ये तो अनाज की बेहुरमती हो गई, ये तो बहुत बुरी बात है सरफराज। तुम तो हीना को लेने गए थे, अकेले क्यों आ गए? वो एक्चुअली अबू, दरअसल क्या बात है, हीना की तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, बस पुपी जान थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है उसके, वो खाना नहीं खाएगी। जीनत तुम बैठो ना। हाँ हाँ जीनत, बैठ जाओ ना हीना की जगह पर। जी नहीं। क्यों? मैं बाद में खा लूंगी हीना के साथ। अरे हीना खाना नहीं खाएगी तो क्या तुम भूखी रह जाओगी? फिर भी मामी, आप लोगों को परोसने के लिए तो कोई चाहिए ना। ये तो पूरी की पूरी घरदारी में माहिर मालूम होती है आप। बचपन से ही ऐसी है ये, बड़ी नेक है। क्यों अकरम? हाँ खाना शुरू करें। कैसा है सर दर्द? हाँ अकरम ने बताया कि तुम्हारे सर में दर्द है, इसलिए तो तुमने खाना नहीं खाया। मैं मालिश कर दूँ? बहुत अच्छी मालिश करती हूँ मैं, तुम्हारा सर दर्द क्यों गायब हो जाएगा? रहने दो, मैं ठीक हूँ। तुम इतनी रुखाई से क्यों बात करती हो मुझसे? मैं तुम्हें अपनी सहेली समझती हूँ ना,
मुझे बड़ी तकलीफ होती है तुम्हारी बातों से। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों तुम बात छेड़ती रहती हो? मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आई, मैं तो खाना लेकर आई हूँ। मैंने भी नहीं खाया, सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगी। नहीं खाना है मुझे। क्यों तंग कर रही हो तुम? जाओ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना, सुना नहीं तुमने? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई हो। तो समझ लो मुझे चोट लग चुकी है। एक बात बताओ हीना, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं? अब मेरी चाहने न चाहने से क्या होगा? तुम जाओ, जाकर उसकी हिम्मत करो जिसने तुम्हें यहाँ लाया है। मुझे अपने हाल पे छोड़ दो प्लीज, तुम जाओ। ये जीनत को क्या हो गया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना। प्लीज आप मुझसे कुछ मत पूछिए। देखो मैं एक बार फिर तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जीनत के साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना होगा। उसे रुलाने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि वो यतीम है, गरीब है, और उस पर तरस खाना चाहिए। और तुम्हों की मुझे उस पर तरस खाना चाहिए या नहीं, ये मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। तो ये भी जान लो कि आइंदा उसके दिल को ठेस ना पहुंचे तो ही अच्छा होगा। अरे हीना, ये अक्रम को क्या हो गया? बड़े गुस्से में चला गया यहां से। तुम्हारी उससे किसी बात पर कहा सुनी तो नहीं हुई ना? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, जवाब मिल जाएगा आपको। जरूर जीनत को लेकर कुछ हो गया होगा। और इसकी जिम्मेदार कौन है ये भी जरूर जानती होंगी आप? हाँ हाँ, वो मैं ही तो हूँ जिसने जीनत को यहाँ बुलाया है। मगर बेटी, मैंने जो भी कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। आप और मेरी भलाई के लिए? हाँ बेटी, ये ना समझना कि मैंने जीनत को यहाँ बुला के तुम्हारे सर पे थोप दिया है। घर का सारा काम तुम अकेले करती थी, मुझसे देखा नहीं जाता था, और मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ कि तुम्हारे हाथ बटा पाती। एक नौकरानी की जरूरत थी तो जीनत को यहाँ लेके आई। हाँ, तुम उसे नौकरानी ही समझो, वो उसी के लायक है। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो आप मेरा घर उजाड़ रही हैं। अरे जीनत बेटा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरी बहादुर बच्ची रो रही है। इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? अम्मी की याद आ गई? मामी, जब देखो हीना मुझसे नफरत से बात करती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम तो लाखों में एक हो, हीना क्या जाने तुम्हारी कदर। नहीं, उसे कहीं भूल गई है, आप ही बताइए। दरअसल वो तुमसे जल गई है। वो क्या है ना, खाना बनाने में तुमने उससे बाजी मार ली
और घर के कामकाज में तो वो तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकती। और फिर सरफराज और अकरम का दिल भी तो तुमने जीत लिया है, हीना से देखा नहीं जाता, मगर तुम उसकी परवाह क्यों करती हो? अरे तुम्हारे आगे उसकी हैसियत ही क्या है? नहीं मामा, वो अकरम की बीवी है, ये घर भी तो उसी का है। तुम इस घर पर राज कर सकती हो, जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी तो। आप ये क्या बातें कर रही हैं मामी? जितना मैं कहती हूँ उतना करती जाओ बस। लेकिन अब ये लेकिन लेकिन अगर मगर सब छोड़ दो, बस ज्यादा से ज्यादा हीना को इस बात का मौका दो कि वो तुम्हें सताए। जितना ज्यादा वो तुम्हें सताएगी उतनी ज्यादा हमदर्दी अकरम के दिल में तुम्हारे लिए पैदा होगी, और उतनी ही दूरी हीना से। आप ऐसा क्यों चाहते हैं मामी जी? अभी जैसा कहा वैसा ही करना बस। अरे सोच क्या रही हो? अब सोचना मेरा काम, करना तुम्हारा, समझी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटी। आंटी मैंने अंकल से कह दिया ऑफिस से जल्दी लौट आए, आप भी जल्दी आ जाइएगा। पता है, सब पता है, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना है ना, हो सकता है हीना भी साथ आए। ये तो और भी अच्छा होगा। अच्छा आंटी अगर आप बुरा ना माने तो कॉलेज जाते वक्त आप मुझे समीर के ऑफिस तक ड्रॉप कर दीजिए, दरअसल मुझे कुछ बिजनेस फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं उस नामुराद के रास्ते भी चली जाऊंगी। तो चलिए ना, मैं तैयार हूँ। चलो मैं देखती हूँ। हेलो सबा, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। क्यों, क्या बात है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। और सबा, अब्बू और अम्मी को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें बुलाया है। ऐसी क्या खास बात है? मैं फोन पर नहीं बता सकती। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। किसका फोन था? वो समीर का। उसी के तो ऑफिस जा रहे हैं, चलो छोड़ देती हूँ। नहीं आंटी आप चलिए, मेरा प्रोग्राम कुछ चेंज हो गया है, आप चलिए। अच्छा, खुदा खुदा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। जी वो बेटी जो कुछ भी कहना है बेझिझक कह डालो। मैं अपने गांव लौट जाना चाहती हूँ। क्यों, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? मेरे यहाँ रहने से अगर किसी को तकलीफ पहुँचती है तो मेरा लौट जाना ही अच्छा। बेटी भला यहाँ तुम्हारे रहने से किसको तकलीफ हो सकती है? आप मुझे बस जाने की इजाजत दे दीजिए। हरगिज नहीं, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी जीनत, यहीं रहोगी। ये मेरा फैसला है कि कोई इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। देखिए ये सब क्या है? अब वो कोई खास बात नहीं, दरअसल जीनत अभी तक अपने आप को इस घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाई है ना, इसीलिए बस जाना चाहती है। लेकिन हीना को देखकर तो वो, अरे वो तो खुद इसे मना मना कर थक गई है, बारे में शायद आपको सुनना नहीं चाहती। मुझे तो अपने ऑफिस जाना चाहिए, मैं चलता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ तो ऐसी बात है जिससे तू बदहवास हो गया है, क्या मुझे जानने का कोई हक नहीं? जाना चाहती है? कौन कौन जानना चाहती है? मैं भी जा रहा हूं। बैठ जाओ, जस्ट रिलैक्स। एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें एक अच्छी सी कॉफी दिलाऊंगा, डन हो गया, उसके बाद बात करते हैं। ओके जस्ट रिलैक्स यार।
होगा कि ये सब सच भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है बाजी? क्या यही सब सुनने और देखने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? आप प्लीज मत रोइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? मैं जीनत, अकरम की भूपी है ना, मेरी मामी है। तुम? मेरा नाम सबा है, मैं इनकी कजन हूँ। लो हीना, तुम भी लो, रख दो। तुम आई हो तो खाना खा कर जाना, उसकी कोई जरूरत नहीं। खाने का वक्त हो और मेहमान घर आए तो उसे यूं नहीं जाने देते। तुम हीना से बात करो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। बड़ी ही मिलनसार और सलीकेमंद लड़की है। अब तबीयत कुछ नॉर्मल हुई? मुझे लगता है कि किसी न किसी बात की वजह से तो अपने हवास खो बैठा था, और मैं जानना चाहता हूं कि क्या बात है। छोड़ना यार, कुछ और बात कर, कुछ ऐसी बात कर जिससे कम से कम दिल तो बहले। देख, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इस हाल में नहीं देखा। मेरे दिल को तकलीफ हो रही है यार, बता ना क्या बात है। बोल। तुझे बोल के क्या फायदा यार, तू इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सकता। अगर कोई इस मसले का हल निकाल सकता है तो वो सिर्फ हीना है। मुझे आपकी हालत देख ही नहीं जाती, और मैं अपने दिल पर कोई बोझ लेकर जाना नहीं चाहती। और आपने भी तो शायद मुझे इसीलिए बुलाया था ना कि मैं हकीकत जानूं, तो आप कुछ बताती क्यों नहीं? इतना समझ लो कि अकरम और मेरे बीच अब कोई तीसरा आ गया है। इसका मतलब आप दोनों के बीच कोई दीवार बन रहा है। मुझे समीर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने समीर का नाम तो नहीं लिया। तो फिर वो है कौन? सीना। ये सीना? लेकिन जीजू तो ऐसे नहीं है कि किसी और लड़की पर ऐसी वैसी नजर डालेंगे। दरअसल ये सब मेरी फूफी सास का रचाया हुआ खेल है। वो जान चुकी है कि निकाह से लेकर अब तक अकरम और मेरे बीच फासले रहे हैं। क्या क्या? हाँ सबा, वो इसी का फायदा उठा रही है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया बाजी, मगर मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया। ये जरूर कहूंगी कि आपको किसी और को इल्जाम देने का कोई हक नहीं है। अंजाम जो भी होगा उसमें कसूर आपका ही होगा, सिर्फ आपका।